आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाया जा चुका है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस द्वारा कहा गया था कि शीर्ष कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ आपराधिक जांच का रास्ता खोल दिया है। इससे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खत्म होने के बाद राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राहुल गांधी के पोस्टर्स को फाड़ा बल्कि उनकी तस्वीरों पर कालिख भी पोत दी। पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जमा होकर प्रदर्शन किया। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड हर जगह प्रदर्शन हुए। मोदी सरकार के कार्यकाल में फ्रांस से हुए 36 राइफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी मामले में विपक्ष ने सरकार पर डील में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला देते हुए एक बार फिर मोदी सरकार को क्लीन चीट दे दी थी। इसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि यह भाजपा के लिए जश्न मनाने का वक्त नहीं है बल्कि आपराधिक जांच को स्वीकार करने का वक्त है। पाकिस्तान के लिए भारत का एक नया ऑफर सामने आया है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की इतनी क्षमता नहीं कि वे इसे पूरा कर सके। फ्रांसीसी अखबार ले मंडे से एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तब तक नहीं सुधर सकते जब तक वह भारत के खिलाफ खुलेआम आतंक फैलाता रहेगा। अगर पाकिस्तान रिश्तों में सुधार चाहता है तो उसे सबसे पहले उन भारतीयों को सौंपना होगा जिन पर भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के आरोप हैं। आतंकी हमलों के ये आरोपी लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहे हैं। जयशंकर ने कहा, पाक के साथ भारत के रिश्ते कई सालों से मुश्किल दौर में हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पड़ोसी देश ने आतंकी पैदा करने की फैक्ट्री जैसा सिस्टम तैयार कर रखा है। पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत में भेजता है और हमले करवाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं। जयशंकर ने कहा, भारत में आतंकी हमलों के 3 मुख्य आरोपी पाकिस्तान में सालों से छिपे बैठे हैं। इनमें दाऊद भी शामिल है। दाऊद पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके कराने का आरोप है। होशंगाबाद में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने महात्मा गांधी को भगवान राम और RSS हिंदू महासभा को रावण बता दिया। सिसोदिया ने कहा कि हिंदू महासभा और RSS देश की वही विंग है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करवाई, लेकिन राम राम ही रहेगा, रावण रावण ही रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा गोडसे की पूजा आज से नहीं कर रही है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिसोदिया मंत्रियों और नेताओं के पैर छूने को गलत नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि पैर छूने में गलत क्या है, भाजपा में भी यही होता है। पीएम मोदी, आडवाणी, शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय का खेमा अलग अलग है और वहां भी यही होता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता के पैर उनके कार्यकर्ता नहीं छूते क्या? क्या शिवराज सिंह का और कैलाश विजयवर्गीय का खेमा अलग नहीं है? क्या मोदी जी और आडवाणी जी का नहीं है? क्या मुरली मनोहर जोशी जी का नहीं है? हर पार्टी में होता है, मगर ये संस्कार की बात है, पैर छूना, प्रणाम करना। सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सरकार के दौर में संबल योजना में घोटाला हुआ, अपात्रों को लाभ दिया गया, इसकी जांच कराई गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया होना चाहिए, बाकी पार्टी आला कमान जो फैसला करेगी वह सही होगा। मेरी व्यक्तिगत राय अगर पूछी जाए और हजारों हजारों कार्यकर्ता की राय पूछी जाए तो ऊर्जावान नेतृत्व मध्य प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश का संगठन मजबूत होगा तो हमारी जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसका क्रियान्वयन भी हम धरातल तक ले जाएंगे। निश्चित रूप से मेरी व्यक्तिगत राय है कि माननीय सिंधिया जी सर्वश्रेष्ठ हैं,
सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, युवा हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और एक काम करने की ललक और ऊर्जा उनके अंदर है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और सोनिया जी को भी मैंने व्यक्तिगत निवेदन भी किया इस बारे में। रेत अवैध उत्खनन की घटनाएं आए दिन प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार में नदी न्यास अध्यक्ष बनाए गए कंप्यूटर बाबा इससे इत्तेफाक नहीं रखते। छतरपुर के खनिज विभाग की बैठक लेने आए कंप्यूटर बाबा का कहना है कि कमलनाथ की सरकार में अवैध उत्खनन कम हुआ है और यदि कहीं हो रहा है तो अब उन जगहों पर 2000 साधु महात्मा बैठेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाना खाएंगे और अवैध उत्खनन रोकेंगे। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं कर पाई वह काम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार नहीं कर पाई वो काम सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। टीकमगढ़ में नदी न्यास अध्यक्ष के निशाने पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा रही। एक दिवसीय प्रवास पर टीकमगढ़ आए कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सिंह की सरकार में पौधारोपण में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जहां 7 करोड़ पेड़ लगाए जाने की बात की जा रही थी वहां 7 पेड़ भी नहीं दिखे। कंप्यूटर बाबा ने नदियों को लेकर कहा कि नदियों को कैसे साफ स्वच्छ बनाया जाए इसके लिए उनके द्वारा बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। भूतपूर्व सरकार शिवराज सरकार थी जिन्होंने 7 करोड़ तो पौधा लगाए थे अपने नाम कमाने के लिए, विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, पर आज 700 पौधा भी नहीं है। तो ऐसा हमें नाम नहीं चाहिए, हमें ऐसा काम नहीं चाहिए जो पूर्व सरकार ने किया। रेत के उत्खनन पर बाबा ने बताया कि उनके द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है, यदि कहीं पर भी नदी में उत्खनन होता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक आयोग गठित किया जा रहा है, उसके सदस्य जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे और उसकी पूरी मॉनिटरिंग भोपाल से की जाएगी। कंप्यूटर बाबा ने भाजपा को भ्रष्टाचार से लिप्त बताते हुए कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार बढ़ने के चलते उन्होंने शिवराज सरकार से इस्तीफा दिया था। अगर कमलनाथ सरकार कार्य नहीं करती है तो वो इसके खिलाफ भी बोलेंगे। इस बाल गायक का नाम राजा ठाकुर है और ये अपने खेत पर बैठकर थानेदार की महिमा का बखान कर रहा है। राजा ठाकुर बुंदेली लोकगीत शैली में अपनी बात कह रहे हैं। उनके इस गीत में थानेदार की कार्यशैली और उस पर व्यंग साफ नजर आ रहा है। बुंदेलखंड इलाके में थानेदार को सबसे बड़ी तोप माना जाता है और उनका रुतबा किसी आईजी से कम नहीं होता। इलाके में जो थानेदार कह दे वही सबसे बड़ा सच है। राजा ठाकुर के इस गीत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष भी है और लोकगीत की मस्ती के साथ व्यंग भी। जितनी पोस्टें हैं भैया सरकार की, सबसे कठिन थानेदार की। लफड़ा झपड़ा जब बिद जावे, करण रिपोर्ट थाने में जावे, पहले पैसा उते चढ़ावे तब मुंशी कलम चलावे। लफड़ा झपड़ा जब बिद जावे, करण रिपोर्ट थाने में जावे, पहले पैसा उते चढ़ावे, बाद में मुंशी कलम चलावे। हाँ नंगा दे लगने हैं, हाँ नंगा दे लगने हैं, बात ना उधार की, सबसे कठिन थानेदार की। जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की, सबसे कठिन थानेदार की। हाँ जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की, सबसे कठिन थानेदार की। इस लोकगीत में मंत्री पर भी कटाक्ष है और ये बताया गया है कि बड़ा तो थानेदार ही है, उसी के कहने से FIR कटती है। इस गीत में गुंडे बदमाशों पर व्यंग है कि मार सबको ठीक कर देती है, पहले हथे वे धुरंधर, बने फिर हथे जोन सिकंदर, पुलिस की मार में भय सरेंडर, खबर बिसरे न जिंदगी भर मार की। पहले हते बहुत धुरंधर, बने फिर हथे जोन सिकंदर, पुलिस की मार में भय सिलेंडर, खबर बिसरे न जिंदगी भर मार की, सबसे कठिन थानेदार की। जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की, सबसे कठिन थानेदार की। रीवा में बिरसा मुंडा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम और नगरीय विकास एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल,
सहित राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल शामिल रहे। इस दौरान जनजातीय गीत पर ओमकार सिंह मरकाम ने कलाकारों के साथ ढोलक बजाई, तो वहीं कमलेश्वर पटेल भी इस पर सुर मिलाते नजर आए। इस समारोह में कोल दहका, अरीराही, शैला और कर्मा नृत्य का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस कार्यक्रम में रीवा जिले सहित 10 जिलों से आए कलाकारों ने अपने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। आयोजन में भारी भीड़ के चलते प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। देखिए, आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 144वीं जयंती मनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह हमारा जो वचन पत्र में था उसके आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे यह आयोजन किया गया है। समाज के उत्तरोत्तर विकास, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए माननीय कमलनाथ जी के मनसानुसार प्रदेश सरकार काम कर रही है। इस पे हम लोग आगे पूरी तरह से काम करेंगे। बस हादसे में हुए सभी घायलों को मेहर के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि सतना कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने 30 घायलों की पुष्टि की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 25-25 हज़ार और अन्य घायलों को 10-10 हज़ार रुपए देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। बस में सवार लोग बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम से लौट रहे थे। बताया जाता है कि यह हादसा मेहर अमड़ा नाला नेशनल हाईवे पावर हाउस के सामने हुआ। यहाँ बस रोड से 5 फीट नीचे गिर गई, इसमें बड़ी संख्या में लोग दब गए। दुर्घटना में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनेक लोगों के बस के नीचे दबे होने की खबर है। मेहर एसडीएम सुरेश अग्रवाल ने मौके पर मौत की पुष्टि की है। बस मेहर से कटनी की तरफ जा रही थी। ये लोग रीवा से बस में बिरसा मुंडा जयंती मनाकर वापस आ रहे थे। होशंगाबाद के पिपरिया में महुआ पेड़ के पास पुलिस को पीटने के मामले में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने एडीएम के डी त्रिपाठी को जांच कर 22 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गौरतलब है कि बुधवार को पिपरिया के नया गांव में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था। इस पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 4 दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। महुआ के पेड़ के पास धारा 144 लगने के बाद भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जिला प्रशासन लोगों को रोकने में नाकाम हो रहा है। नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदू महासभा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में नारायण आप्टे एवं नाथूराम गोडसे को याद कर उनका 70वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर हिंदू महासभा ने पूजन कर गोडसे की आरती का गान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि बलिदान दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाते हुए गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद किया जाए। साथ ही जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अपमान एवं भगवा जलाने वालों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और गोडसे को एमपी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हरदा में निरोगी काया अभियान एवं अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस के अवसर पर ग्राम मसन गांव में हाई स्कूल प्रांगण में महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिक्षिका मौसमी डाले द्वारा मनोरंजक तरीके से योग व जुम्बा डांस कराना सिखाया गया। बताया जा रहा है कि जुम्बा डांस से 1 घंटे में 400 से 600 कैलोरी बर्न होती है। इसे रेगुलर करने से हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, थायराइड आदि बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है। जुम्बा डांस करने से हमारे शरीर की मसल्स फ्लेक्सिबल बनती है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए यह डांस एक्सरसाइज फायदेमंद होती है। निरोगी काया अभियान के अंतर्गत एवं अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 14 नवंबर के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल मसन गांव में एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मसन गांव की ग्रामीण महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को जुम्बा टीचर श्रीमती मौसमी डाले द्वारा बड़े ही मनोरंजक तरीके से म्यूजिक के साथ में योग करना सिखाया। साथ ही उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव शेयर करते हुए महिलाओं का उत्साहवर्धन किया कि कैसे योग के द्वारा वजन बढ़ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, साइटिका जैसी बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। शिविर प्रभारी डॉक्टर तरुण चौधरी ने मधुमेह एवं हाइपरटेंशन बीमारियों के लक्षण और इन बीमारियों से घर पर ही योग की सहायता से नियंत्रण की विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीण महिलाओं में योग के प्रति उत्साह को देखते हुए यह कार्यक्रम प्रति बुधवार आयोजित करने की योजना बनाई गई। शिविर में अधिकारी और डॉक्टर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
इंदौर में पर्यावरण और ट्रैफिक सुधार के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कलेक्टर लोकेश जाटव सहित कई बड़े अफसरों ने कार्यालय आने के लिए सिटी बस का उपयोग किया। इंदौर में पदस्थ नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह, जिला पंचायत सीईओ नेहा मीना, नगर निगम डिप्टी कमिश्नर अदिति गर्ग, नगर निगम डिप्टी कमिश्नर चेतन, एडीएम अजय देव शर्मा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बालकृष्ण मौर्य और इंदौर जिला प्रशासन के अन्य समस्त अधिकारियों ने अपने घरों से अपने कार्यालय आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी बस का उपयोग किया। कलेक्टर ने नागरिकों से अनुरोध किया कि अपने फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाहन के उपयोग के अलावा कोशिश करें कि अपने ऑफिस एवं अन्य कार्यस्थलों पर जाने के लिए सिटी बस का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि ट्रैफिक एवं पर्यावरण सुधार में सहायता मिले। अपनी यात्रा के दौरान कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने प्रतिदिन सिटी बसों में सफर करने वाले यात्रियों से चर्चा भी की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।